आज है मेरी रस्म अल्हम्दुलिल्लाह और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। जो है हमारी सारी तैयारियाँ चल रही हैं आज के इवेंट के लिए। यहाँ मम्मा मेरी है, यहाँ चेयर्स वगैरह लग चुकी हैं। बहुत हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ये हमारा मुन्ना प्रोटोकॉल दे रहा है। आपको जो लगानी है वो लगा दो। यहाँ पे आधा तो लगा दिया। तैयार हो गर्मी और बहुत ज्यादा थक गई हूँ और बहुत बुरी हालत है। मैंने तैयारियाँ की और ब्लॉग ना आ रही। जो स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें हमने स्पेशली बुलाया है, तो शुक्र ही आ गए। और अगर ये नहीं आ गई Assalamualaikum, so welcome back to my YouTube channel। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को टाइटल देख के तो आइडिया हो ही चुका होगा और थोड़ा बहुत कल की ढोलकी वाला व्लॉग देख के भी पता चल गया होगा। आज है मेरी रस्म अल्हम्दुलिल्लाह और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और कितनी ज़्यादा खुश हूँ वो मैं बता भी नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज है मेरी रस्म, तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो बस आज का व्लॉग उसी पर होने वाला है, तो मैंने कहा जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। खैर व्लॉग तो स्टार्ट हो गया, ये क्लिप मैं बाद में बना रही हूँ, बाकी आप लोग आगे चल के मेरी बकवास सुन लीजिएगा, सही है। और हाँ, मैं दुल्हन हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, तो मैं अभी बोलूँ। इसके बाद जो है बस जब तक मैं अपने घर में हूँ अभी तक मैं बोल रही हूँ, इसके बाद फिर मैं नहीं बोल पाऊँगी ज़्यादा। फिर जैसे भी व्लॉग बनेगा, क्या होगा कैसे बनेगा, सोनिया सामिया वगैरह ये लोग सब व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल अभी सारे यहाँ पर सेटअप वगैरह हो रहे हैं, सारी तैयारियाँ हो रही हैं, वो सभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो जितना हो सकेगा शेयर करूँगी, क्योंकि आज मेरी खुद की है, ब्लॉगर की है, तो ब्लॉगर कैसे व्लॉग बनाएगी नहीं पता कुछ। बाकी आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, हर क्लिप बहुत ज़्यादा स्पेशल है और जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो बस आप लोग देखना, एंजॉय करना। इतना व्लॉग मैंने बना लिया, शुक्र है, वरना मैं सोची थी मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। तो बाकी चलते हैं तैयारियाँ देखते हैं और फिर आगे आगे बातें करते हैं। आज जो है हमारी सारी तैयारियाँ चल रही हैं आज के इवेंट के लिए। यहाँ मम्मा मेरी हेल्प करवा रही हैं और अलिया बैठी हुई है। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और अभी यहाँ पे 1 बजे दोपहर के, इतनी धूप में हम बैठे हुए हैं और अलिया ने जो है मुझे ये अम्ब्रेला ला के दी हुई है। और ये मैंने ली हुई थी क्योंकि मैं तो भाई स्पेशल तो गेस्ट मैं ही हूँ ना, काली हो जाऊँगी इसलिए। तो मम्मा यहाँ पे हेल्प करवा रही हैं और बाकी यहाँ चेयर्स वगैरह लग चुकी हैं। और बाकी आप मेरी मेहंदी का कलर देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। और बाकी बस तैयारियाँ चली रही हैं। अलिया की मेहंदी का भी बहुत अच्छा है, सबकी मेहंदी का बहुत अच्छा है, इवन के मेरी मम्मा की मेहंदी का भी इतना प्यारा कलर आया है। हाय तो कर दे, मम्मा तो इतनी बिजी है, हेलो सलाम भी नहीं करा। बहुत बुरा हाल हो रहा है और रात तक बहुत अच्छा हाल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये रात में अर्जेंटली बैठ के लगाइए, हमारा मुन्ना प्रोटोकॉल दे रहा है। ये हमें प्रोटोकॉल दे रही है। और बाकी जो अभी बहुत सारे काम है, मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं करवा, ये क्लिप मैं पहले से बना रही हूँ तो मैंने बता दिया। बाकी मैं तो बहुत बुरी लग रही हूँ, अभी नहीं दिखाई, मुझे अच्छा से तैयार होना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये अम्मा यहाँ पर सारा काम हो रहा है। सापी क्या कर रही हो? 12 लड़ियों का अंदर के पास सारे काम मेरे पास है। दुल्हन किसी और के काम से सहमत भी नहीं होती। डबल टेप से क्या नहीं होती सहमत? आपको जो लगानी है वो लगा दो, कनेक्शन एडजस्ट कर देगा वो बोर्ड पड़े हैं। हां पर जो है आधी तैयारियां हो रही हैं और बाकी अभी आधी रहती हैं। लाइटें वाइटें लगाई जा रही हैं। धूप इतनी हो रही है, सांप ही सही से नजर भी नहीं आ रही। हमें मोबाइल नजर नहीं आ रहा, उनको हम सही नजर आ रहे हैं। पहले एक काम करो, एमएस को वो बांधने दो। हां हां यही तो। फिर लाइटें लगा दो, मैं लगा दूंगी। टाइट कर लो, पहले आप उसको जो है टाइट कर लो। अच्छा एक टच वो कहे लड़ी निकाल ये सारा का सारा सामान आया हुआ है उस छत पर भी है, इस छत पर भी है। अभी जो है ना यहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत सारे काम रहते हैं और जो ना, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो आज मैं ही हूँ और स्पेशली जाहिर सी बात है आज मेरा ही दिन है, तो मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज। तो खैर अभी तैयारियाँ चल रही हैं, अभी मुझे पार्लर जाना है, बहुत कुछ करना है। मुझे नहीं पता इस ब्लॉग का एक पार्ट होने वाला है या 2 पार्ट होने वाले, आई डोंट नो, क्योंकि अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कैसे ब्लॉग एडिट करूँगी, क्या मतलब एडिटिंग तो हो जाएगी, मतलब रिकॉर्ड कैसे करूँगी, क्या होगा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा।
अभी तो फिलहाल मैं जब तक घर पर हूँ जब तक तो मैं कर रही हूँ, जब मैं रेडी शेडी हो जाऊँगी उसके बाद मेहमान आ जाएंगे उसके बाद मैं कैसे व्लॉग बनाऊँगी कुछ मुझे आइडिया नहीं है। तो खैर अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, अभी पूरा सेटअप वगैरह लग रहा है। यहाँ पे मुझे 4 बजे पार्लर जाना है और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:30 हो रहे हैं और मुझे 4 बजे पार्लर जाना है। फिर मैं तैयार होंगी और तैयार होने के बाद मेरा लुक क्या आने वाला है मुझे उस बात का भी आइडिया नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा है यार पता नहीं मैं अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी। फिलहाल मेहंदी तो मेरी बहुत प्यारी लगी है, बस मैं अपनी मेहंदी को देख कर ही खुश हो जा रही हूँ। सो खैर है कोई बात, और जो है ना अचानक से मेरे पीछे भी कोई आ गई है, सामी आ गई है। ये है दुल्हन की बहन। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप एक्साइटेड हैं या नहीं? आपकी बहन की बात पक्की हो रही है, रस्म हो रही है, पसीने देखें इतने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है नहा कर रही हूँ, बाल सारे गीले हो रहे हैं। बाकी धूप धूप तो नहीं, आपको नहीं पता मैं कहाँ पे छुपी हुई हूँ। मैं जो व्लॉग बना रही हूँ ना आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं कहाँ पे खड़ो के ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे आइडिया हो चुका होगा, मतलब आगे सोफा रखा हुआ मैं उसके पीछे आके खड़ी हुई ब्लॉग बना रही हूँ पीछे, हाँ स्टैंड के पीछे, क्योंकि जो ना बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है और ये काम करना भी जरूरी है। इसके अंदर हम इंतजार नहीं कर सकते कि शाम में करेंगे, क्योंकि 4 बजे तो मैं चली जाऊंगी और ये काम मुझे ही करके जाने, और ये चली गई है। तो इधर सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। तो मैं तो चली जाऊंगी, आगे के जो व्लॉग्स वगैरह शूट करेंगे वो ये और मेरी बहनें करेंगी, सही है? और वो जो हाँ बहनें ना मेरी, एक और बहन पीछे खड़ी हुई अलिया, अलिया बहुत हेल्प करवा रही है। जो बात है वो बेचारी मेरे ने अम्ब्रेला लेकर आई, बहुत सारी चीजें लेकर आई। यहाँ जो है मम्मा बाबा लगे हुए तैयारियों में, और बाकी जो है यहाँ पे जो है अभी बात पक्की का हैशटैग लगा है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आगे से फुल तैयारियाँ चली रही हैं और मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई है अलिया। और अलिया कैसा लग रहा है आपको, खुशी है? हाँ दिल गार्डन गार्डन बहुत ज़्यादा खुशी है अलिया को। और ये सामिया वो देखें बस, ये जो है अम्ब्रेला लेके बैठी हुई है, हालांकि ये होनी मेरे पास चाहिए क्योंकि मैं जो ब्राइड हूँ मुझे काला नहीं होना, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है धूप नहीं आ रही जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, बाकी सब तैयारियों में लगे हुए। और अब सोना भी लगाना शुरू कर दिया, सोना अपने लाइटें फ्लावर लड़ियाँ वड़ियाँ सब लगाना शुरू करती हूँ। दिखाऊँ या दिखा देती हूँ मैं आप लोग? ये देखें सोना पे यहाँ पे आधा तो लगा दिया, आधा लगा रही हैं अभी। अलिया को देखें कैसे खड़ी है, लेकिन आपको एक लड़की नहीं दिख रही होगी इसमें मिस है, लेकिन वो हम उन्हें खुद निराई इतनी धूप है ना सर में, कहीं वो बेहोश वेहोश हो जाए इसलिए उन्हें नीचे छोड़ दिया। जब थोड़ा आराम से जब हो जाएगा ना ठंडा टाइम, जब नहीं है मम्मी ने वो सोना पे चली जाएंगे उन्हें तो काम करने पर, इतना हमने छोड़ दिया उन्हें। लेकिन गाइस बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है, मैं तो छाँव में बैठी हुई हूँ। सोना पे यहाँ पे लगा रही हैं, अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं यहाँ पे बैठी हूँ गाइस, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो सोना पे वो देखो वहाँ पे गई हैं देखें। सोना पे आई, शुक्र है सोना पे ने भी कोई काम करती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सोना भी कोई काम ही नहीं करवा रही, घर का कह रही मुझे मेहंदी लेगी भी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं मेहंदी हट जाएगी। बात है मैं दुल्हन हूँ, आप इन लोग को समझाएं भाई, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट है, तुम शादी होगी तो पता नहीं क्या हर काम है, ये क्या करवा रहे कि ये बस आखिरी काम है, इसके बाद मैं खुद करूँगी। नहीं ये अब तो अभी एक दिन की बात है, फिर इनसे कल देखो कैसे काम करवाती हूँ मैं, सारे इनके बदले के काम किए, मैं थक गई गाइस। मैं तो रोज 4 बोतलें पानी की इनसे मंगाऊंगी, इन्होंने मेरे कल इतनी मंगाई। अब शादी होगी मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं क्या होगा, अभी तो सिर्फ इंगेजमेंट में इनका ये हाल, मैं तो सिर्फ बारात में आया करूँगी बस। मैं जो अभी एक साइड में बैठी हुई हूँ और मुझे मैं इतना सारा व्लॉग अभी यहाँ पे बना रही हूँ, मुझे पता है जब मैं चली जाऊँगी पॉलर वगैरह फिर मैं नहीं बना पाऊँगी, फिर मैं रेडी होकर आ जाऊँगी फिर भी मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहा। इसलिए जितना मुझसे अभी हो सक रहा है, जितना मेरे पास अभी टाइम है ना, आप लोग मेरी आवाज़ सुन लें, उसके बाद जो है कुछ नहीं आइडिया, क्या पता भाई बहुत बना भी लूँ क्या पता ना बना पाऊँ, लेकिन मुझे जितना लगता है ना नहीं बना पाऊँगी। जाहिर है यार इंगेजमेंट है आज बहन की, आपके जीजू आएंगे आज, इनके जीजू आएंगे आज घर पे, तो भाई हम कैसे व्लॉग बनाएंगे फिर? बस थोड़ी देर तो नहीं, अभी बहुत सारे घंटे आने में, अभी बहुत सारे इंतज़ार करना पड़ेगा यार उनका, यस बिल्कुल उनका बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा फिर वो आएंगे। A few moments later.
मुझे शर्म ये शर्म आ रही है या हंसी आ रही है? आज ब्लॉग है दिलन आज जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से बात करके मैं रेडी शादी में बैठी हूँ। मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए नेल पेंट लगा रही है। आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। सेटअप दिखाओ। ये जो मेरी मेहनत है यहाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी। थैंक यू। अभी नेल पेंट लगा कर बात पक्की खाना की बात पक्की हो रही है। उसकी रस्म है बहुत अच्छा करे, बहुत खुशियाँ हो, बहुत ज्यादा जोड़ी सलामत रहे। आमीन। बिल्कुल। और ये मेरी तरफ से इनके लिए बात पक्की। अच्छा आवाज़ तो आनी ही होगी बट हम लोग रेडी है और जो है लॉस आने वाले इंतजार में है दोनों। मैंने कहा आप ब्लॉग बना लो वरना मुझे तो टाइम नहीं मिलने वाला। पता नहीं अभी भी आवाज़ आ रही है। दूसरे की शादी में जाके बोलती थी कॉपीराइट आ रही आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावी आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुकड़ बने रे ते चिट्टा कुकड़ दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे दे काश में दुपट्टे वाली अखियां मेरी पूछ रही है रंगो मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयां तू अखियां किथे लड़ाइयां कैसे तुझको मैं बताऊं राहें तेरी तक दे जाऊं नीना चुराई देखे जिसके भी बलून है ना वो देख ले यही लड़का है जो छोर है। आप लोगों को गर्मी ये तो फिर मेरी भी हिम्मत है मैं तस्वीरें खींच के आई हूँ सबके। Years later. Okay, so अभी अभी जो है मैं यहाँ पे फ्री हुई हूँ और अपने इवेंट से अभी अभी मेरे दूल्हा गए और बहुत ज्यादा थक गई हूँ और बहुत बुरी हालत है। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ जो है मिठाइयाँ खाई है और कोई नहीं मैं ज्यादा प्यारी लग रही हूँ और बाकी जो है यहाँ पे पता नहीं क्या नहीं लगा है। लेंस ने बहुत बुरा हाल कर दिया। आज मैंने कहा ब्लॉग भी बना लूँ यार, ब्लॉग रह जाएगा। इतना मैंने तैयारियाँ की और ब्लॉग ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और यहाँ पे ये सॉन्ग्स चलना शुरू हो गए। प्लीज सॉन्ग्स बंद करते हैं कुछ टाइम के लिए। ओके। और यहाँ हमारा भाई भी बैठा है काशान। काशान से हाय। हाय। आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। ओके सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये भी आ गई हैं। मैंने कहा ब्लॉग तो होना चाहिए ना, हमारी गेस्ट आई हुई है स्पेशली, बहुत टाइम बाद आई है। मुस्कान गेस्ट क्या प्लीज बराबर में तशरीफ लाइए। उनकी वीडियो जरूरी हो रही है। हमारे एक और गेस्ट प्लीज स्टैंड अप। और ये भी आए हुए हैं। हाय अब्दुलरहमान, आर यू एक्साइटेड? ये क्यों एक्साइटेड होगा, बेचारे की तो हुई नहीं है ना इस वजह से बेचारा। ही इज नॉट एक्साइटेड है ना। ये मैं ऐसी बात कर रही हूँ, आर यू सिंगल राइट नाउ? ये बेचारे सारे गम में बैठे हुए, इन बेचारों की हुई नहीं है बेचारे। आप भाई बेचारी बस हाथ हाथ।
किस्मत से हाथ धो बैठे बेचारे, कोई बात नहीं हो जाएगी। एक नहीं, हम नवारी भी हुई भी है। हुई भी है, हुई भी हम दोनों। नहीं, मुस्कान का बोल रहे हम दोनों जी जी उनसे छोटे छोटे की हो गए। ये खैर सब कुछ खाली हो चुका है यहाँ पे। ये हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें हमने स्पेशली बुलाया है, तो शुक्र है ये आ गए। और अगर ये नहीं आती बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये इनको जैसे ही पता चला कि इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो है एक्चुअल में एंगेज होने वाली है, ये उड़ती हुई आ गई। बस उड़ती हुई आ गई, मैंने बोला बस बस डायरेक्ट खाना के घर पे मुझे उड़ाओ, हवाई जहाज में मुझे लैंड करो डायरेक्ट खाना के घर में। ओके, तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा, बहुत, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहुत, मुझसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझसे ज्यादा कोई हो सकता है? आपसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं थैंक यू सो मच, आपने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया और आपसे मैं नाराज हूँ, क्योंकि ये वाला क्लिप मुझे सेंड कर दिएगा, मैं अपने व्लॉग नेवर, ये मैं, ये आप मुझे दे दीजिए, मेरे ये दो व्लॉगरों की लड़ाई है, लेके ये मोबाइल है, ये मेरे व्लॉग नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये मेरे आईडी मेरी है, आईडी मेरी है, ये दोनों के आईडी मेरी है, ये दोनों साथ कौन है? यहाँ जो ये मेरी मेहनत थी जो कि मैंने डेकोरेट करा था, पता नहीं है मैं ठीक से दिख भी पाए नहीं दिख पाया मुझे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ अच्छा व्लॉग बन रहा है ना, यहाँ मैं अच्छी आ रही हूँ और मेरा बहुत बुरा हाल हो गया सारे फिल्टर के कमाले जैसे मैं अच्छी लग रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये सो हमारा जो इवेंट वगैरह खत्म हो गया और मैं यहाँ फ्रेश वगैरह होके बैठ गई हूँ। खैर फ्रेश तो नहीं हुई हूँ, मतलब ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, मेकअप मेरा भी हटाने का दिल नहीं चाह रहा, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। और ये आज का दिन, आज की रात मेरी इनके साथ गुजरने वाली है, आज ये फर्स्ट टाइम मेरे घर रुकी है, आज ये स्टे करने वाली है घर पर। और बाकी आई डोंट नो व्लॉग कैसा बना यार, जैसे जैसे आप लाइक करें, कमेंट्स करें, टाइम मिलता गया, हाँ हाँ, तो बस मैं बनाती गई। बहुत स्पेशल डे था, बड़ा दिन था, इनको दुआएं दें अच्छी अच्छी, अपनी दुआओं में याद रखें मुझे, और उसके बाद मुझे भी दुआओं में याद रखें। बस नेक्स्ट फ्रेंड इनकी है इंशाल्लाह, तो बस इसी के साथ जो अपना मेरा वाला भी बन रहा है ऊपर से आएगा। ओके, बस इनको ऊपर से ही आएगा, तो बस इसी के साथ ब्लॉग अपना यही एंड करते हैं। क्या गहरी लड्डू अलग से निकाल के रख कर आई हूँ खाएंगे। तो बस ये आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह बोलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खास खास दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे भी बहुत सारे मेहमान वगैरह भी रुके हुए, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हैं, आज ये भी रुकी हैं, वो भी रुकी हैं, ये सब नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही रुकी, वो फर्स्ट टाइम रुकी, ये फर्स्ट टाइम रुकी हैं, तो खैर काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। अभी हम लोग सब छत पर बैठे हुए इन्जॉय वगैरह कर रहे हैं, तो बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर चलते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।